इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के प्रेमी बताया जा रहे सचिन मीणा पर बयान देकर वायरल हुई महिला मिथिलेश भाटी पर मानहानि का केस कर दिया गया। मिथिलेश भाटी दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहती हैं और वो सचिन की पड़ोसी हैं। और कुछ रोज पहले उन्होंने सीमा हैदर से शादी करने का दावा करने वाले सचिन मीणा पर टिप्पणी कर दी। आरोप है कि उस बयान में मिथिलेश भाटी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे अपमानजनक बताते हुए सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। एक स्त्री होके, एक गरिमा होके, एक संसदीय भाषा असंसदीय भाषा को इस्तेमाल करेंगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी आरोप लगाया कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो कुछ भी कहा वो देश के हर पति का अपमान है। आरोप यह भी है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं मानहानि का केस दर्ज किए जाने के बाद मिथिलेश भाटी ने सचिन के अपमान करने की बात से साफ इनकार कर दिया, जबकि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर वालों ने उन पर जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन मीणा के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश भाटी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे इस बारे में बात की तो वो एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराने से नहीं चूकी। क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये छिछोरपंती है। यही नहीं, मिथिलेश भाटी ने सीमा हैदर के पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आने पर भी शक जताया। उनको यह भी शक है कि सीमा प्यार की आड़ में किसी मकसद से भारत में घुसी है। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई तिहाड़ जेल में जाने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा है, क्योंकि 1 अगस्त को अजरबैजान से भारत लाए जाने के बाद से ही वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ से बचने के लिए ही सचिन बिश्नोई किसी भी तरह तिहाड़ जेल जाना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि तिहाड़ में लॉरेंस गैंग ने उसके लिए खास इंतजाम कर रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन के तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद वहां जश्न मनाने की तैयारी, और यह जश्न उसी तरह मनाया जाएगा जिस तरह से गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की जेल में हत्या के बाद गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग ने मनाया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में सचिन को गैंग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने तिहाड़ पहुंचने के बाद वहां सचिन बिश्नोई की हर तरह की मदद करने का संदेश भी भेज दिया। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि परिवार से बेदखल होने के बाद गैंगस्टर सचिन बिश्नोई फूट फूट कर रो रहा है। पिछले साल 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, जिसमें सचिन बिश्नोई भी आरोपी है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन के अपराध की दुनिया में कदम रखने और मूसेवाला हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से ही परिवार के लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। सूत्र बताते हैं कि उसके घर वालों ने न सिर्फ उससे मुंह मोड़ लिया बल्कि उसे बेदखल भी कर दिया। और तो और अजरबैजान से भारत लाए जाने के बाद परिवार के लोग भी उससे मिलने तक नहीं आए। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से सचिन परेशान है और वो पुलिस की हिरासत में फूट फूट कर रो रहा है। सूत्रों का कहना है कि उसकी वकील रजनी खत्री ही उससे मिलने जाती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट केस की जांच भी तेज कर दी, क्योंकि आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले ही फर्जी पासपोर्ट से सचिन बिश्नोई विदेश भाग गया था।